नमस्कार, स्वागत है आप सबका नारद टीवी पर। दोस्तों, आज एक बार फिर बात होगी बीआर चोपड़ा निर्मित टेलीविजन धारावाहिक महाभारत की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महाभारत का निर्माण कैसे हुआ, महाभारत के कलाकारों का चयन कैसे हुआ और साथ ही साथ कुछ और दिलचस्प बातें। आज का ये वीडियो काफी रोचक होने वाला है। महाभारत धारावाहिक बनने का किस्सा कम रोचक नहीं है, ये उस धारावाहिक से भी ज्यादा मनोरंजक है। बलदेव राज चोपड़ा यानी बीआर चोपड़ा आधुनिक युग के नामचीन फिल्म निर्माता रहे हैं। वीआर शांताराम के अतिरिक्त वह शायद अकेले ऐसे फिल्मकार थे जिन्हें किसी विश्वविद्यालय ने डीलिट की मानद उपाधि से नवाजा और अपनी इस उपलब्धि पर उन्हें गर्व भी था। 1990 की शुरुआत में बीआर चोपड़ा की महाभारत का क्या असर था, इस पर न जाने कितनी बातें हो चुकी हैं। गलियों में सन्नाटा छा जाता था। हरियाणा सरकार ने आदेश दिया था कि महाभारत के टेलीकास्ट के समय बिजली न काटी जाए। बच्चे जहां बंदूक और कार छोड़कर गदा धनुष और रथ में चलने के सपने बुनने लगे थे। आज भी कृष्ण, अर्जुन, भीष्म जैसे तमाम किरदारों का जिक्र आते ही 1988 से 1990 तक चली इस टीवी सीरीज के कैरेक्टर याद आ जाते हैं। तो आइए जानते हैं महाभारत सीरियल से जुड़े कुछ रोचक किस्से। महाभारत के लिए बीआर चोपड़ा ने जब सोचना शुरू किया तो वो पहले महाभारत पर एक फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन उनको पता था कि महाभारत इतनी विशाल है और इसमें इतने पात्र हैं कि मात्र 3 घंटे में इसे फिल्म के रूप में पेश कर पाना असंभव है। चूंकि उस समय रामानंद सागर की रामायण हिट होने की वजह से धार्मिक सीरियल्स की मांग बढ़ चुकी थी, इसलिए बीआर चोपड़ा ने टीवी माध्यम का चुनाव किया। सतीश भटनागर ने महाभारत पर रिसर्च करना शुरू कर दिया और देश भर के अलग अलग पुस्तकालयों से किताबें मांगा कर पढ़ना शुरू की। उन्होंने उर्दू कवि डॉक्टर राही मासूम रजा को इसकी स्क्रिप्ट लिखने को कहा। जब महाभारत की स्क्रिप्ट लिखने का काम शुरू हुआ तो डॉक्टर राही मासूम रजा का नाम किसी के जेहन में नहीं था। सिटिंग्स हो रही थी और बात आई कि इस कहानी को कहने के लिए एक नरेटर चाहिए। रजा साहब महाभारत को आज के हिंदुस्तान से जोड़ना चाहते थे। उन्होंने बीआर चोपड़ा को पहली लाइन सुनाई, मैं समय हूँ, और बीआर चोपड़ा ने रजा साहब से ही महाभारत लिखवाना फाइनल कर लिया। इसके बाद तमाम लोगों ने विरोध किया कि एक मुसलमान महाभारत और गीता की व्याख्या कैसे कर सकता है, मगर बीआर चोपड़ा ने फैसला नहीं बदला। आज जब हम पलटकर वापस महाभारत के फिलॉसफी से भरे डायलॉग्स और क्रेडिट में वेद व्यास के साथ राही मासूम रजा का नाम देखते हैं तो एहसास होता है कि इस सीरियल ने क्या खूब तोहफा दिया है हिंदुस्तान को। आपको बता दें कि पहले फिल्म स्टार्स के साथ महाभारत को बनाने का प्लान था। जूही चावला को द्रौपदी का रोल मिला था मगर वो फिल्मों में बिजी हो गई। गोविंदा को अभिमन्यु और जय की श्राप को अर्जुन के लिए कास्ट करना लगभग तय हो गया था। फिर दो वजहों से पूरी कास्टिंग नए सिरे से की गई। पहली वजह, 2 साल के लिए इतने सारे स्टार्स की डेट मिलने की मुश्किल थी। दूसरा, रवि चोपड़ा का सोचना था कि बिल्कुल फ्रेश कास्टिंग की वजह से लोगों के दिमाग में इन कैरेक्टर्स को बिठाने में आसानी रहेगी। बीआर चोपड़ा के पुत्र रवि चोपड़ा ने निर्देशन की बागडोर संभाली। उन्होंने समाचार पत्रों में कलाकारों के लिए विज्ञापन दिया जिसमें 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने महाभारत में काम करने के लिए पत्र लिखे। महाभारत के लिए वो ऐसे पात्रों का चुनाव करना चाहते थे जो फिल्मों या टीवी पर कभी नहीं आए हों। इस काम के लिए उन्होंने शकुनी का किरदार निभाने वाले गुफी पेंटल को इस काम के लिए सौंपा, जो उस समय जाने माने असिस्टेंट डायरेक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर थे। अच्छा ही रहा कि रवि चोपड़ा ने नई कास्टिंग की। आज महाभारत की जो इमेज हमारे मन में बनी है उसमें इन किरदारों का बड़ा योगदान है। 1500 वीडियो टेस्ट के बाद एक्टर फाइनल हुए। किसी को भी चुनने का पहला पैरामीटर उसका लुक था, दूसरे नंबर पर उसकी हिंदी पर पकड़ थी और सबसे आखिरी में एक्टिंग का नंबर आता था। गुफी फेंटेल ने कलाकारों के लिए कई ऑडिशन करवाए लेकिन उनको शुरू में कोई दमदार कलाकार नहीं मिला क्योंकि उन्हें शुद्ध हिंदी बोलने वाले कलाकार नहीं मिल पा रहे थे। इसी कारण पहले एपिसोड में उस समय के जाने माने अभिनेता राज बब्बर को राजा भरत का किरदार दिया गया। इस तरह गुफी पेंडल के ऑडिशन से अब किरदारों का मिलना शुरू हो गया था। लगभग 1500 लोगों का स्क्रीन टेस्ट लिया गया था जिसको पूरा करने में लगभग 8 महीने लगे थे। अब शांतनु के किरदार के लिए उन्हें एक शांत और रोमांटिक आदमी की जरूरत थी जो उनको ऋषभ शुक्ला में दिखा। ये किरदार तो उन्होंने निभा दिया, अब उनको भीष्म का किरदार चाहिए था। भीष्म के किरदार के लिए पहले मुकेश खन्ना के स्थान पर किसी और को लिया गया था लेकिन उस कलाकार ने अंतिम मौके पर मना कर दिया, तब भीष्म के किरदार के लिए मुकेश खन्ना को बुलाया गया। बीआर चोपड़ा को दुर्योधन की तलाश थी। उस समय पुनीत इस्सर ने कुछ फिल्में की थी लेकिन 1983 में कुली फिल्म में हुए हादसे की वजह से उनका स्टारडम गिर चुका था। अब पुनीत जब बीआर चोपड़ा के पास ऑडिशन के लिए आए तो
उनकी कद काठी देखकर उन्होंने पहले पुनीत को भीम का रोल देने का विचार किया। पुनीत ही सर भीम बनने के लिए इच्छुक नहीं थे क्योंकि वो फाइटर से हटकर अपनी छवि बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दुर्योधन का किरदार करने को कहा ताकि वो एक फाइटर की छवि से हटकर एक अच्छे अभिनेता के रूप में पेश आए। लेकिन चोपड़ा साहब उनको ये किरदार देने में इच्छुक नहीं थे। एक दिन राही मासूम रजा ने पुनीत इस्सर को बुलाकर कहा, ये तो तुम्हारा सौभाग्य है, तुम्हें एक हीरो का ऑफर दिया गया है और तुम मना कर रहे हो। सभी लोग यहाँ हीरो बनने आ रहे हैं और तुम विलेन बनना चाहते हो। पुनीत ने जवाब दिया, इस रोल से मेरी काबिलियत छुप जाएगी। चोपड़ा साहब ने पुनीत इस्सर को कहा, बेटे इसमें आपको हिंदी बोलनी पड़ेगी और डायलॉग बहुत होंगे। पुनीत ने इन सबके लिए हाँ कर दी और उन्होंने चोपड़ा साहब को 15-20 मिनट तक लगातार हिंदी में डायलॉग सुनाए, जिसे सुनकर चोपड़ा साहब बहुत प्रभावित हुए और बोले, यही मेरा दुर्योधन है। पुनीत का दुर्योधन के लिए चयन हो गया, लेकिन फिर भीम के किरदार के लिए समस्या हो गई। अब भीम के लिए उनको पुनीत इस्सर से भी बड़े और भारी किरदार की जरूरत थी। चोपड़ा साहब ने प्रवीण कुमार के बारे में सुन रखा था, जिन्होंने एशियाई खेलों में तश्तरी फेंक प्रतियोगिता में 2 गोल्ड मेडल जीते थे और उनकी कद काठी भी पुनीत इस्सर से बेहतर थी। पुनीत इस्सर ने प्रवीण कुमार को भीम के किरदार के लिए चोपड़ा साहब को आग्रह किया। प्रवीण कुमार इससे पहले हिंदी फिल्में लोहा और शहंशाह में काम कर चुके थे, जिनमें उन्होंने वेलन का किरदार निभाया था। भीम के किरदार के लिए प्रवीण कुमार का चयन हो गया और सागर सालुंके, जो पहले भीम के लिए चुने जाने वाले थे, उनको बलराम का किरदार दे दिया गया। अब श्रीकृष्ण के किरदार का चयन करना था। महाभारत में कृष्ण के रोल के लिए 3 लोगों का स्क्रीन टेस्ट लिया गया था, जिनमें पहले नंबर पर थे गजेंद्र चौहान, दूसरे नंबर पर थे ऋषभ शुक्ला और तीसरे नंबर पर नीतीश भारद्वाज। 70 और 80 के दशक में कई फिल्मों में कृष्ण का किरदार निभाने वाले राकेश पांडे को भी इस किरदार के लिए चुनने का विचार किया गया था। नीतीश भारद्वाज को पहले वेदुर का किरदार दिया जाना था, लेकिन रवि चोपड़ा ने उनको इस किरदार के लिए उनकी उम्र को बहुत कम माना। अब नीतीश भारद्वाज ने दूसरी बार BR चोपड़ा टीम के सामने स्क्रीन टेस्ट दिया और उनका कृष्ण के किरदार के लिए चयन हो गया, क्योंकि उनकी हिंदी पर पकड़ बहुत अच्छी थी। अब कृष्ण का चयन हो जाने के बाद गजेंद्र चौहान को युधिष्ठिर का किरदार दिया गया। गजेंद्र चौहान की कृष्ण का किरदार निभाने की बहुत इच्छा थी, लेकिन रवि चोपड़ा के अंतिम निर्णय पर नीतीश भारद्वाज का चयन हो गया था। अब द्रौपदी के किरदार की बारी आती है। चोपड़ा साहब के लिए द्रौपदी के किरदार के लिए रूपा गांगुली पहली पसंद नहीं थी। वो पहले जूही चावला को द्रौपदी का किरदार देना चाहते थे, लेकिन उसी साल जूही चावला को पहली सुपरहिट फिल्म कयामत से कयामत तक मिल गई थी, जिसने जूही चावला को रातों रात स्टार बना दिया था। इसलिए अब रूपा गांगुली के चयन की बारी है, जो पहले भी कुछ धारावाहिकों में अभिनय कर चुकी थी और उनका चयन द्रौपदी के किरदार के लिए कर लिया गया। अभी गोपी पेंटल को कोई आइडिया नहीं था कि शकुनी का किरदार कौन निभाएगा। गोपी ने इस किरदार के लिए कई लोगों को ऑडिशन के लिए बुलाया, लेकिन उन्हें कोई दमदार कलाकार नहीं मिल सका। गोपी ने चोपड़ा साहब से पूछा, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या मैं शकुनी का किरदार निभा लूं? चोपड़ा साहब तुरंत राजी हो गए, क्योंकि गोपी पेंडल में वैसा किरदार नजर आता था। जब सारे कलाकारों का चयन हो गया, तब एक सूत्रधार की आवश्यकता थी, जो इस कथा का वर्णन कर सके। अब समय के किरदार का चयन करना था, जिसके लिए दमदार आवाज की जरूरत थी, और समय के लिए आवाज चुनी गई हरीश भिमानी की, जिस पर एक वीडियो नारद टीवी पर पहले ही आ चुकी है। प्रोडक्शन टीम में 100 से भी ज्यादा आदमी, 2000 पृष्ठों की स्क्रिप्ट और 2 साल तक लगातार शूटिंग की गई, जिसके बारे में चोपड़ा साहब ने कभी सोचा नहीं था। प्रोडक्शन नियंत्रक किशोर मल्होत्रा ने बताया कि महाभारत को बनाने में 9 करोड़ रुपए की लागत लगी थी और हर एपिसोड की लागत 10 लाख के आसपास होती थी, जो उस समय के लिए बहुत बड़ी रकम थी। महाभारत की अधिकांश शूटिंग मुंबई फिल्म सिटी में हुई थी। कुरुक्षेत्र युद्ध के लिए 15 दिनों तक जयपुर में शूटिंग की गई, जहां पर हजारों लोगों को दैनिक आमदनी के हिसाब से रणभूमि तैयार करने के लिए रखा गया था। उस समय टेक्नोलॉजी का उतना विकास तो था नहीं, पर फिर भी इस टीम ने कई स्पेशल इफेक्ट देकर लोगों को चकित कर दिया। हिंदुस्तान की जनता में ये सीरियल दिलों में बस गया था। ऐसा माना जाता है कि दूरदर्शन ने इस सीरियल के दौरान 65 करोड़ रुपए विज्ञापन से कमाए थे, जिसमें एक 10 मिनट के विज्ञापन की कीमत शुरुआत में 65,000 रुपए होती थी, जो बाद में बढ़कर 1,00,000 रुपए हो गई थी। इसके मुकाबले रामायण को एक विज्ञापन से 70,000 से ज्यादा कभी नहीं मिले। वैसे देखा जाए तो रामायण के कारण ही महाभारत को यश मिला था।
महाभारत से लोगों की धार्मिक और सामाजिक भावनाएं भी जुड़ गई थी। महाभारत में रामायण के मुकाबले रिश्तों के ज्यादा रूप देखने को मिले। जहां रामायण में राम और हनुमान जैसे किरदारों को प्रसिद्धि मिली, तो महाभारत में हर पात्र को अपना अभिनय दिखाने का पूरा मौका मिला और इस धारावाहिक से कई कलाकारों का भविष्य उज्जवल हुआ। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ नारद टीवी के फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें, ताकि वहां से भी आपको नारद टीवी से जुड़े अपडेट मिलते रहें। अगर इस वीडियो पर आप सबका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो इस टॉपिक पर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।